नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं मलाई रोल बना रही हूँ। अपने स्वाद से सबको लुभाने वाले मलाई रोल वैसे तो बाजार में मिल ही जाते हैं, लेकिन आप इसे घर पर भी सरल विधि से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। तो चलिए स्वादिष्ट मिठाई बनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप दूध उबाल लें। दूध में उबाल आ जाए तो धीरे धीरे से हिलाते हुए 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करें। इसमें 50 ग्राम चीनी और 1 चम्मच घी डालें। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लगभग 7 मिनट में दूध गाढ़ा हो जाता है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। दूध में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। इसे चलाते हुए गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लें। इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब एक ट्रे में सूखे नारियल का बुरादा स्प्रिंकल करें। नारियल को अच्छी तरह से फैला लें। अब इसके ऊपर मिक्सचर को स्प्रेड करें। ये मैं 100 ग्राम मलाई ले रही हूँ। इसमें वनीला एसेंस डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मलाई को भी फैला दें। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा नारियल का बुरादा स्प्रिंकल करें। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसे हम चौकोर आकार में काट लेंगे। जब आप इसे काट लें तो हर एक टुकड़े को रोल कर लें। इसे पिस्ता से गार्निश करें। ये देखिए कितनी इजी वे में स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो गई है। आप भी एक बार इस तरह से मलाई रोल बनाकर देखें, यह सबको बहुत पसंद आती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, खाने की चीज़ों को बर्बाद न करें और हमेशा सबकी मदद करें।